नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पंकज चतुर्वेदी। आज हम मोटिवेशन की एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है तो चिकित्सा विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण विषय, लेकिन सीधा सीधा मोटिवेशन के हर विषय हर बिंदु से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे ब्रेन की, और सामान्य तौर पर ब्रेन और माइंड, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में है, और बहुत सारे लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते कि ब्रेन इज समथिंग डिफरेंट एंड माइंड इज समथिंग डिफरेंट। ब्रेन इज फिजिकल, वो जो यहां पर है, माइंड जो कहां पर है नहीं पता। ब्रेन यही है, लेकिन माइंड आपका अभी आपको मंगल ग्रह पर लेकर जा सकता है, अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है, दुनिया के किसी कोने में लेकर जा सकता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि योर ब्रेन इज फिक्स्ड इन दिस बॉक्स, और आपका जो माइंड है वो अक्रॉस द यूनिवर्स कहीं भी घूम सकता है, लेकिन वो माइंड है वो कंट्रोल इसी ब्रेन से होता है। इस ब्रेन की दम पर हमारा माइंड सब कुछ काम कर सकता है। हमको जो विचार दिखते हैं, जो विचार में चित्र चलचित्र नजर आते हैं, वो सब माइंड है और उसका कंट्रोल ब्रेन के पास है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि यदि माइंड को कंट्रोल करना है तो शुरुआत ब्रेन को कंट्रोल करने से होगी। कैसे कंट्रोल करेंगे ब्रेन को, ब्रेन का विज्ञान क्या कहता है? जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, इसीलिए इससे जुड़े विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और न्यूरॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, आप जरा अनुमान लगाइए, सोचिएगा, अपने माइंड को सोचने दीजिएगा कि इस छोटे से हिस्से में जहां हड्डियों के बीच आपका ब्रेन, जो बेसिकली फैट का पार्ट है, जो फैट के रूप में होता है, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड आप समझ लीजिए, उस शेप में होता है, उसमें 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ये ब्रेन की कोशिकाएं हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। 10,000 करोड़, आप अनुमान लगाइए कि उनकी साइज क्या होगी। इस हिस्से में यदि 10,000 करोड़ की मात्रा में कुछ चीज है तो कितनी बारीक कितनी छोटी होगी, लेकिन वो जितनी बारीक और जितनी छोटी होती है उतनी ताकतवर होती है। और ये न्यूरॉन्स ब्रेन का वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो सारी ब्रेन की फंक्शनिंग, और ब्रेन की फंक्शनिंग से ह्यूमन फंक्शनिंग, हमारी थॉट, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी एक्शन, हमारे डिसीजन सबको प्रभावित करते हैं। लेकिन ये ब्रेन बहुत समझदार है, आप समझदार हो या नहीं हो ये अलग विषय है, लेकिन ये ब्रेन बहुत समझदार है, और ये हमेशा ये कोशिश करता है कि इसका काम बहुत आसान हो जाए। और शायद इसीलिए ये टॉप ऑफ द बॉडी है, हमारे सबसे ऊपर का हिस्सा यही है, क्योंकि ये टॉप पर है, बाय नेचर ये टॉप पर है, इसीलिए नेचर ने इसको टॉप पर रखा है। तो ये कोशिश करता है कि इसका काम बहुत आसान हो जाए। मैं कुछ उदाहरण से आपके सामने बात रखूंगा। हम जब पहली बार कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, कहां पर ए है, कहां बी है, कहां सी है, कहां पी है, ढूंढने में समय लगता है। पर आप 15-20 दिन टाइप करिए, 21वें दिन आप बहुत स्मूथली आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे, लैपटॉप के कीबोर्ड को टाइप कर पाएंगे। 2-4-6 महीने में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप इधर टाइप करते रहेंगे और कुछ और काम साथ साथ कर पाएंगे, यानी स्क्रीन आप प्रॉपर देखेंगे। तो पहले आप नीचे टाइप करेंगे, फिर ऊपर स्क्रीन देखेंगे, फिर चेक करेंगे। आप कार चलाना सीखते हैं तो आप पहले बहुत सतर्क होकर कार चलाना सीखते हैं, देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, निकल पाएगी कार, नहीं निकल पाएगी, टर्न हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सामने यदि 3 किलोमीटर दूर कोई गाड़ी आती है तो आप यदि नौ सीखिया कार चालक है तो आप कोशिश करेंगे कि जितना अधिक साइड में आप अपनी गाड़ी को रख लें। पर प्रैक्टिस के बाद आप आराम से किसी भी बड़े हाईवे पर सैकड़ों वाहनों के बीच अपनी गाड़ी चला सकते हैं। कैसे? आप तो वही थे, फर्क क्या आया? फर्क आया प्रैक्टिस का। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस इज द बेस्ट टैक्टिक्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इन एनी फील्ड, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में, सब क्षेत्र में
यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो सबसे अच्छी टैक्टिस है प्रैक्टिस, और वही काम हमारा ब्रेन करता है। जब ब्रेन को टाइप करने की प्रैक्टिस हो जाती है तो एक्सपर्ट हो जाता है, यानी हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब ब्रेन को ड्राइव करने की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप जो भी चीज अपने ब्रेन को फायर करेंगे, वायर करेंगे, यानी बार बार रिपीटेडली बताएंगे, तो ब्रेन में उसका एक ब्लूप्रिंट फॉर्म हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, और इसी को बोलते हैं हैबिट। ऐसे ही आदतें बनती हैं। जो काम आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट आपकी नेचर बन जाएगी, और आप फिर आप उसी प्रकार से परफॉर्म करेंगे। जैसे आप सुबह सोकर उठेंगे तो जिस पैर में आप राइट या लेफ्ट में पहली बार चप्पल डालते हैं वही पैर आपका आगे पहले जाएगा। जिस हाथ से यदि आप पानी पीते हैं वही हाथ पहले आगे जाएगा। यदि आप हाथ फोल्ड करेंगे तो जो आपके ब्रेन की प्रैक्टिस हुआ ऐसे ही फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में यह मैकेनिज्म सेट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट को सुधार सकते हैं। ब्रेन में जो बिल्डिंग ऑफ बैड हैबिट्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करके बदल के अच्छी आदतों की नई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। प्रैक्टिस करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंसान को बाकी प्रजातियों से, जो जीवित है उनसे अलग बनाती है, वो इस ब्रेन की पावर, इस ब्रेन की थिंकिंग पावर, सोचने की पावर, ब्रेन और माइंड का कॉम्बिनेशन, ये हमको बाकी से डिफरेंट बनाता है। और यहां सबसे आगे हमारे पास एक और साइंटिफिक टर्म है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्री, जिसको नियो कॉर्टेक्स भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वही इस बात को ब्रेन को निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपको पता है कि अनहेल्दी फूड खाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन स्वाद आपको अनहेल्दी की तरफ लेकर जाएगा, पर आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपको गाइड करेगा कि स्वाद तो 2 मिनट का है पर तकलीफ बरसों की होगी। तो वो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बाकी प्रजातियों में नहीं होता, जो अच्छे बुरे का भेद करे, अपने जीवन को पुनर्निर्धारित करने का अवसर करे, अपनी आदतों में परिवर्तन करने का अवसर हमको प्रदान करे। तो प्रकृति ने ये अद्भुत वरदान मानव प्रजाति को दिया है कि उसके ब्रेन की अद्भुत और अद्वितीय और अकल्पनीय क्षमताएं हैं, जिनका प्रयोग करके, जिनके ऊपर अभ्यास करके हम जीवन में जिस प्रकार की सफलता चाहें वो सफलता पा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आज से अभ्यास आरंभ करिए, लेकिन धैर्य के साथ, क्योंकि ब्रेन में जो ब्लूप्रिंट है, जो हैबिट के जो पैटर्न आपने न्यूरॉन्स में सेट करती हैं, जो फायर एंड वायर करके बार बार आपने चीज फिक्स करी है, वो चेंज होने में थोड़ा समय लेंगी। इसीलिए साइंस कहता है कि कोई भी आदत आपको बदलने में शुरुआत में 20 से 21 दिन लगेंगे और 90 दिन में वो परफेक्ट हैबिट के रूप में डेवलप हो जाएगी, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी कष्टप्रद होगी। हाथ ऐसे फोल्ड करना और ऐसे फोल्ड करने में जितनी तकलीफ आ रही है, कमोबेश उसी प्रकार की स्थिति आपकी आदतों को बदलने में आएंगी। जितनी बड़ी और खराब आदत होगी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो करिए तैयारी अपने ब्रेन की क्षमताओं का अद्भुत उपयोग करने की, ताकि जिस अद्वितीय जीवन को लेकर हम इस धरा पर आए हैं उस जीवन की सार्थकता को हम सिद्ध कर सकें, और मानव प्रजाति के उत्थान में और मानव के कल्याण में जो हमारा योगदान है उसमें हम पूरी पूरी भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।